أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 22 crore مسلمان یہاں بستے ہیں इसी तरह 30 करोड़ के करीब इंडिया में बसते हैं तो 18-20 करोड़ जो है वो बांग्लादेश में इसी तरह जो है वो अफगानिस्तान में कुल 80-90 करोड़ मुसलमान जो है वो सिर्फ इस रीजन में बसते हैं जिसमें पैगंबर कोई नहीं आया जिसमें सहाबी के बारे में आने का भी इख्तलाफ है ताबईन आए सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम 92 हिजरी में आया और वो जो है वो सहाबी नहीं था ताबी था अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू एनएस सुपर दी अमेजिंग व्लॉग तो गाइस आज का एक बेहतरीन खूबसूरत व्लॉग होगा अभी मौजूद हूँ मैं जी खान बोर्डर के ऊपर तो जी व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा तारफ करवा दूँ आज हमारे शहर रहीम यार खान में जा रहे हैं मोहम्मद साकिब रजा मुस्तफाई साहब जी उनका बेहतरीन खूबसूरत बयान होगा अभी बयान आपको सुनाएंगे अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो चलते हैं आपको दिखाते हैं रॉयल ग्रैंड मार्की में जहाँ पर आज का खूबसूरत ध्यान होगा लेट्स स्टार्ट तो गाइस अभी माशाल्लाह हम आ चुके हैं जी पंडाल के अंदर ये पंडाल का बैरूनी मंजर है माशाल्लाह बहुत बड़ा पंडाल बनाया इन्होंने तो चलते हैं जी आगे सुभान अल्लाह
हमदो तारीफ तौसीफ अल्लाह जल्ला मजदूर करीम की ज़ात बाबरकात के लिए, रसूल रहमत शफी मुअज़्ज़म नबी मुहतशम हुज़ूर ख़त्मुल मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में अपनी अकीदतों इरादतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम ज़िल इहतिशाम आली मर्तबत सामईन हाज़रीन मुंतज़िमीन इज्तिमाए हाज़ा इदारतुल मुस्तफ़ा हलका रहीम यार खान के जुमला ज़ुम्मादारान और कारकुनान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उस्वा रसूल के बाबरकत नूरानी उनवान के साथ आज की ये तकरीब इंतेकाम पज़ीर है और कुछ वक्त के लिए इस उनवान पर गुफ्तगू आपके सामने रखने कोशिश होगी। अल्लाह ताला मेरी जुबान पर कलिमतुल हक जारी करता है। उस्वा सीरत का मुतबादल लफ्ज़ है और कुरान मजीद में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत को इख्तियार करने की हमें तरगीब देते हुए ये हुक्मनामा हमारे नाम हमारे रब की तरफ से जारी हुआ। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हयात तैयबा खूबसूरत नमूना है। हुज़ूर की हयात तैयबा की मुताबकत में हम अपनी ज़िंदगी बसर करके एक खुशगवार ज़िंदगी का तसव्वुर पा सकते हैं जिससे हमें दुनियावी और उखरवी बरकतें बराबर नसीब होती हैं। तो अगर हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, ज़िंदगी फिर भी गुजर जाएगी, लेकिन वो ज़िंदगी कितनी दिल आवेज़ है जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तालीमात के साए में बसर हो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक गोशा हमारे सामने वाज़े तौर पे मौजूद है। अज़वाजे मुतहरात के साथ हुज़ूर का हुस्न सुलूक, अपनी साहिबज़ादियों के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इंतहाई शफ़क़त भरा रवैया, असहाब के साथ बतौर कायद जंगों में, हमसायों के साथ हत्ता के दुश्मनों के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम का रवैया, हुज़ूर का तर्ज़ ज़िंदगी और अंदाज़े मुआशरत हमारे सामने मौजूद है और इस सारे अंदाज़े हयात को मेरे रब ने उस्वा हसना करार दिया। बेहतरीन नमूना है अगर उसको हम इख्तियार करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहें तो एक खूबसूरत ज़िंदगी हम जी सकते हैं। आइए हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत का, हुज़ूर के उस्वा नूर का हम मुताला करते हैं। किसी शख्स की सीरत को उसके अहले खाना से बेहतर कोई बयान नहीं कर सकता। तो आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरत को उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, जब आपसे हुज़ूर के उस्वाए नूर के बारे में सवाल किया जाता है तो बरजस्ता जवाब देती हैं, काना खुलुकुहुल कुरान, ऐ पूछने वाले कुरान खोल के बैठ जा और हुज़ूर को देखता चला जा। उनकी ज़िंदगी कुरान की तालीमात का अमली नमूना है।
कुरान जहाँ से रोकता है आप महबूब करीम को उस रास्ते पर नहीं देखेंगे, और जिन उमूर को बजा लाने का हुक्म देता है कुरान तो वहाँ हुजूर का तआमुल देखेंगे, हुजूर का अमल देखेंगे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत को 6 कलिमात में बयान करती हैं। वाक़ इस तरह हुआ कि जब आका करीम के कल्बे अतहर पर पहली वही का नुज़ूल हुआ तो ये तो वो मौका था कि कुरान ने ख़ुद कहा कि अगर हम पहाड़ों पर इस किताब को नाजिल करते तो खशियत इलाही से ये पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाते। ये तो हुजूर का कल्बे अतहर था जो उसे सहार गया, वरना कुरान के बोझ को और कुरान की हैबत को कोई गवारा नहीं कर सकता, चाहे वो को हमालिया का कलेजा ही क्यों न हो। लेकिन कुरान के नुज़ूल पर हुजूर ने जो कैफियत महसूस की तो उससे आपको सर्दी का एहसास होता है। तो वापस जब घर पलटते हैं तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, या खदीजा ज़म्मिलूनी, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे सर्दी लग रही है। तो वो हुजूर के कंधों पर शाल डाल देती हैं और फिर हुजूर को तसल्ली आमेज कलिमात कहती हैं। उन कलिमात से आप हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत का उन्वान देख सकते हैं। तो जब उन्होंने कहा कि मुझे सर्दी लग रही है तो आप चादर ओढ़ा देती हैं और साथ हुजूर को तसल्ली देते हुए अर्ज़ गुजार होती हैं, कल्ला वल्लाह ला युख्ज़िकल्लाहु अबदा, इन्नका लतसलुर रहिम व तस्दुकुल हदीस व तहमिलुल कल्ला व तक्सबुल मादूम व तकरी ज़ैफ व तोइनो अला नवाइबिल हक। कहा कि आपका रब आपको कभी भी बेआबरू नहीं होने देगा। क्यों? इन्नका लतसलुर रहिम, इसलिए कि आप सिला रहमी करते हैं, रिश्तेदारों के साथ आपका सलूक बहुत अच्छा है, और जिसका रिश्तेदारों के साथ सलूक अच्छा हो मेरा रब उसको कभी बेआबरू नहीं होने देता, उसकी पगड़ी के कल्स को कभी झुकने नहीं देता। तो कहा कल्ला वल्लाहे ला युख्ज़िकल्लाहु अबदा, आपका रब आपको कभी भी बेआबरू नहीं होने देगा, मैं इस बात पर कसम करती हूँ। क्यों? इन्नका लतसलुर रहिम, आपसे रहमी करते हैं, जो आपसे ताल्लुक तोड़े भी तो आप उससे ताल्लुक जोड़ते हैं। ये कमाल होता है, बाज़ लोग कहते हैं कोई 1 कदम पीछे हटेगा तो हम 10 कदम पीछे हटेंगे, तो ये क्या कमाल हुआ? वो 1 कदम पीछे हटा तो आप 10 कदम पीछे हट गए, तो आप उससे भी 10 गुना आगे बढ़ गए। कहा नहीं, तुम 1 कदम पीछे हटोगे तो हम 10 कदम आगे बढ़ेंगे और तुम्हें पीछे नहीं हटने देंगे, एक दिन तुझे भी जीत लेंगे मोहब्बत के ज़ोर पे, तुम्हें नहीं हम भागने देंगे। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत उकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, सिल मन क़ताअका वाति मन हरमका वाफ़ु अम्मन ज़लमका। 3 बातें हुजूर ने इरशाद फरमाई, जो तुमसे ताल्लुक़ तोड़े तुम उससे ताल्लुक़ जोड़ो, जो तुम्हें महरूम रखे तुम उसकी झोलियाँ बन दो, और जो तुम्हारे से ज़्यादती करे तुम उसे माफ़ कर दो। खूबसूरत मुआशरे की तश्कील के ये बुनियादी अनासर हैं। अगर हर शख्स ये तय कर ले कि जो मेरे साथ लोगों की तरफ से रवैया होगा मेरा भी रवैया उसके मुताबिक होगा, तो मुआशरा तो टूट फूट का शिकार हो जाएगा। किसी ने तो बर्दाश्त करना होता है तभी तो मुआशरा जुड़ेगा। इसलिए मेरे और आपके आका मौला हुज़ूर रकमिल मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एक रोशन उसूल दिया कि सिला रहमी करो, रिश्तेदारों के साथ सलूक अच्छा करो, उनके सख्त नामुनासब कड़वे कुशैले रवैये के बावजूद, उनके तलख रवैयों के बावजूद तुम्हारा रवैया उनके साथ खूबसूरत हो। देखिए अगर रिश्तेदार अच्छा सलूक करते हैं और उसके जवाब में आप भी अच्छा सलूक करते हैं ये तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उनके बुरे सलूक के बाद भी आप उनके साथ अल्लाह उसके रसूल के हुक्म को बजा लाते हुए अच्छा सलूक करते हो तो ये है आपका इम्तिहान जिसमें आप कामयाब ठहरे।
अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये चाहे कि उसकी उम्र में बरकत हो और रिज़्क में इजाफा हो, वो रिश्तेदारों के साथ सलूक अच्छा करे। सुभानअल्लाह। रिश्तेदारों के साथ सलूक अच्छा करने का नतीजा रिज़्क में बरकत और उम्र में बरकत। तो हमें हमारे दीन ने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने की तलकीन की है, सिला रहमी का हुक्म दिया है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा का मुताला करें, कुरैश मक्का ने क्या क्या जुल्म और ज्यादतियाँ नहीं की थी हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ और आका करीम अलैहिस्सलाम के मानने वालों के साथ। अरसा हयात तंग कर दिया था मक्के में, गड़े खोदे, कांटे बिछाए, उजरियाँ डाली और गले के अंदर कपड़े डाल करके ताव दिए, हुजूर के गुलामों को शहीद किया गया, अजियतें दी गई, आवाज़ें कसे गए, क्या कुछ नहीं हुआ था। लेकिन आज अल्लाह के महबूब मक्के की जानिब फातह बन के मदीनतुल मुनव्वरा से तशरीफ़ ला रहे हैं। सन 8 हिजरी को 10,000 का लश्कर हुजूर के हमराह है, कितनी बड़ी ताकत थी। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की आरज़ू ये थी कि लड़ाई की नौबत ना आए, ताकि कत्लो गारत तक मामला न पहुँचे। और सहाबा से फरमाया कि तुम थोड़े थोड़े फासले पे खेमे लगाओ और हर शख्स अपने खेमे के आगे आग जलाए। और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त के कुरैश के सरदार अबू सुफियान, जो अभी ईमान नहीं लाए थे, उनको एक ऐसी जगह पे खड़ा करते हैं जहाँ से दूर तक जलती हुई आग और लगे हुए खेमे दिखाई देते हैं। रात का मंजर था तो बरजस्ता अबू सुफियान कहते हैं कि ये कौन है। तो हज़रत अब्बास ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि ये उनके मानने वाले और चाहने वाले हैं। तो कहा कि तेरे भतीजे की बादशाहत कायम हो गई। हज़रत अब्बास ने कहा यह बादशाहत नहीं, ये नबूवत की शान। और ऐसा नफसियाती दबाव पड़ा कि वो फिर मुकाबले में नहीं आए। आप मक्का की फतह की तारीख पढ़िए, दो एक जगह पे थोड़ी थोड़ी मुज़ाहमत हुई है, बग़ैर किसी मज़ाहमत के मक्का फतह हो गया और हुज़ूर अलैहिस्सलाम चाह भी यही रहे। वरना अगर कुरैश फैसला कर लेते मुकाबले में आने का तो पीस के रख दिए जाते मुसलमानों की इतनी तादाद और जोश जज्बा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ताकत होने के बावजूद ये आरज़ू कर रहे थे कि लड़ाई की नौबत ना आए। खैर, जब मक्का फतह हो गया, हुज़ूर तशरीफ़ लाए, अब ये थर थर कांप रहे थे, इन्हें जो किया हुआ था वो याद आ रहा था और इन्हें लगता था कि आज हमारी गर्दनें उतरेंगी और अगर हमें बहुत भी रियायत दी गई तो इतना तो ज़रूर होगा कि शहर बदर कर दिया जाएगा। अब आका करीम तशरीफ़ लाए और ये सारे लोग हुजूर के सामने थे, फरमाया बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूँ। तो इन्होंने कहा आप करीम बाप के करीम बेटे हैं, हम आपसे खैर की तवक्को रखते हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज मैं तुमसे वही कहूँगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरीब अलैकुम अल्यौम। और फिर फरमाया इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ चले जाओ, आज तुम आज़ाद हो, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। तो इन्हें तो ये था कि गर्दनें उतरेंगी, नहीं तो शहर बदर तो ज़रूर किया जाएगा। लेकिन जब इन्होंने ये देखा तो हैरत से इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि इतना कर्म भी हो सकता है। तो ये रवैया था मेरे और आपके आका उमदा का। सुभानअल्लाह। आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन मक्की ज़िंदगी में उस्मान बिन तलहा, जो काबतुल्ला का क़लीद बरदार था, उसे कहा कि मुझे काबा का दरवाज़ा खोल के दो, मैं अंदर दाखिल होना चाहता हूँ। तो इससे इनकार कर दिया। आज जब फातह बन के आए तो फरमाया ऐन उस्मान बिन तलहा, हाजिर खिदमत हुआ, फरमाया काबतुल्ला का दरवाज़ा खोलो। तो उसने ताला खोला, हुजूर तशरीफ़ ले गए। जब बाहर आए तो सहाबा को था कि देखिए अब किसके भाग और किस्मत बेदार होती है और किसके मुकद्दर जागते हैं और काबा की करीब बर्दारी का एजाज़ किसको मिलता है, ये चाबी किसको दी जाती है। और हर एक के दिल में आरज़ू थी काश कि ये एजाज़ मुझे मिले। लेकिन हुजूर जब बाहर तशरीफ़ लाए तो फिर फरमाया उस्मान बिन तलहा किधर है।
तो वो हाजिर खिदमत हुआ और थर थर कांप रहा था। वाकई में वो चाबी उसी के हाथ पे रखते हुए फरमाया कि ये चाबी कयामत तक तेरी नस्लों से भी कोई नहीं छीन सकेगा सवाई जालिम के। आज भी ये जो शैबी खानदान है काबतुल्ला का कलीद बरदार, ये हजरत उस्मान बिन तलहा की औलाद से। अल्लाह अकबर। इस वाक्या को 1450 साल बीत रहे हैं और आज भी चाबी उसे खानदान के पास है। तो जब उसने हुजूर अलैहिस्सलाम का ये रवैया देखा कि मैंने तो इनके लिए काबतुल्ला का दरवाज़ा नहीं खोला था और आज फातह बन के आया और चाबी फिर मुझे अता कर रहे हैं, उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और हाथ आगे बढ़ा के अर्ज गुजार होता है, हुजूर मुझे अपना गुलाम बना लीजिए, तेरी तख के अतामा में मुरीद हो गए। तो ये हुस्न था, ये सिला रहमी की खूबसूरत मिसाल थी। सिर्फ तालीम ही नहीं दी बल्कि हुजूर के रवैये से, हुजूर के अमल से भी पता चला कि रिश्तेदारों के साथ सलूक कैसा करना चाहिए, खानदान के लोगों के साथ सलूक कैसा करना चाहिए, उनके तलख रवैयों के बावजूद तुम्हारा मामला उनके साथ कैसा होना चाहिए। तो आज मैं और आप उस आका को मानते हैं तो हमें हुजूर की सीरत के इस पहलू पे बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है कि तलख नामुनासिब खुरदरे रवैयों के बावजूद रिश्तेदारों के साथ आपका सलूक बहर सूरत अच्छा होना चाहिए। दूसरा वस्त हुजूर का जो हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रदी अल्लाह तआला ने बयान किया, वह तस्दुकुल हदीस, आप हमेशा सच बोलते, आपका रब आपको कभी भी बेआबरू नहीं होने देगा इसलिए कि आप हमेशा सच बोलते हैं। सच्चाई मेरे पैगंबर के साथ जुड़ी हुई और मैं और आप उस नबी के मानने वाले हैं, उस नबी पर यकीन और ईकान रखते हैं, ऐलान नबूवत से कबल भी जिनको सादिक और अमीन कहा जाता था। हम किस तरह झूठ बोल सकते हैं जब हम उस नबी के मानने वाले हैं। हमारे आका और मौला ने अभी ऐलान नबूवत नहीं किया तो हुजूर को सादिक कहा जाता है, हुजूर अलैहिस्सलाम को अमीन कहा जाता है। बल्कि जब कोहे सफा पे अल्लाह का हुक्म आने पर वअंजिर अशीरतकल अक़रबीन, जो करीबी करीबी लोग हैं उनको बुला करके आप तबलीग कीजिए, तो कुरैश के लोगों को बुलाया और उन्हें कहा, लोगों अगर मैं कहूँ कि पहाड़ की दूसरी जानब से एक लश्कर आ रहा है जो तुम्हें ताख्त व ताराज करके रख देगा तो बताओ मेरी बात को मान लोगे। तो सब ने बरजस्ता कहा, नज़र ना भी आया तो हम कहेंगे हम अंधे हैं आप सच्चे हो, हमें आपकी सदाकत पर इतना यकीन है। तो फरमाया अगर मेरी सदाकत पर इतना यकीन है तो फिर मान लो अल्लाह एक है। तो इन्होंने इनकार तो किया लेकिन अंदर सोच रहे थे जिसने कल झूठ नहीं बोला वो आज क्यों बोलेगा, जिसने अपनी जाती मामलात में कभी झूठ नहीं बोला तो इस मामले में झूठ कैसे बोलेगा। और फिर एक एक करके ये लोग हिसारे दीन में आते चले गए। तो ये था मेरे और आपके आका और मौला का किरदार, मेरे और आपके आका और मौला की ज़िंदगी का जमाल कि हुजूर सादिक भी है अमीन भी, और आज हम हुजूर अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, हम झूठे कैसे हो सकते हैं। तो फिर क्या हमारे नबी से हमारा ताल्लुक महज जुबान की हद तक है या हमारी रूहों का ताल्लुक ज़ाते रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? अगर ताल्लुक इतना गहरा है तो फिर किस तरह हम झूठ बोल सकते हैं? आपका करीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मोमिन बुज़दिल हो सकता है, कहा नहीं, मोमिन बहादुर होता है लेकिन हो सकता है कभी बुज़दिली भी कर जाए, आखिर बशरी तो है। दूसरा सवाल हुआ, मोमिन बखील हो सकता है, कहा नहीं, मोमिन सखी होता है लेकिन हो सकता है कभी बुखल भी कर जाए, आखिर बशर ही तो है। बल्कि एक रिवायत में आया कि जो औलाद होती है मुबखिलतुन व मुजबिनतुन, औलाद बंदे को थोड़ा थोड़ा बुज़दिल बना देती है और थोड़ा थोड़ा बखील बना देती है। जब औलाद नहीं होती तो बंदा मुश्किल में छलांग लगाने के लिए हर वक्त तैयार रहता है लेकिन औलाद होती है तो सोचता है कि मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है, सेविंग नहीं करता, सब खर्च कर देता है, बड़ा शाह खर्च होता है। लेकिन जब औलाद हो जाती है तो वो ज़रूर सोचता है कि मेरे कोई वारिस भी हैं और कोई जो है वो मेरे पे उम्मीद भी लगाए बैठे। तो फरमाया औलाद थोड़ा थोड़ा बुज़दिल बना देती है, थोड़ा थोड़ा बखील बना देती है, लेकिन फरमाया कि मोमिन अमूमी तौर पे सखी होता है लेकिन कभी बुखल भी कर सकता है, अमूमी तौर पे मोमिन बहादुर होता है लेकिन कभी बुखल भी कभी बुज़दिली भी कर सकता है।
तीसरा सवाल हुजूर से पूछा गया, मोमिन झूठा हो सकता है? तो अकबर करीम ने फरमाया मोमिन झूठा नहीं हो सकता, ये तय बात है, ये तयशुदा हकीकत है, ये हमारे वाकिया है। मोमिन बुजदिल हो सकेगा, मोमिन जो है वो कंजूस हो सकता है, लेकिन मोमिन झूठा नहीं हो सकता। एक दिन फरमाया अला उनब्बिकुम बिअकबर अल-कबाइर, मैं तुम्हें बड़े बड़े गुनाहों की खबर ना दूँ? कुलना बला या रसूलल्लाह, सहाबा कहते हमने कहा क्यों नहीं हुजूर, इरशाद फरमाइए। तो आका करीम ने फरमाया अल इशराक बिल्लाह, सबसे बड़ा गुनाह जो कबीरा गुनाहों में भी अकबर अल-कबाइर है, वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक कराना, शिरक करना। फिर फरमाया वह उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना। फिर आका करीम बैठे हुए थे, टेक लगाए व जलसा व कान मुत्तकिया, हुजूर टेक लगाए बैठे थे तो टेक छोड़ दी। टेक छोड़ने का मतलब जो मजमून बयान होने लगा है उस मजमून की अहमियत को उजागर करना। व जलसा व कान मुत्तकिया, हुजूर टेक लगाए बैठे थे, टेक छोड़ के आगे हो गए। और फरमाया अला व कौल ज़ू, अला व कौल ज़ू, अला व कौल ज़ू, सुन लो तीसरा बड़ा गुनाह जो अकबरुल कबायर है वो झूठ बोलना, सुन लो वो झूठ बोलना है, सुन लो वो झूठ बोलना है। रावी कहते हैं हुजूर बार बार ये लफ्ज़ बोल रहे, जो कर रहे हो हाँ, बार बार इस लफ्ज़ का तकरार किए जा रहे तो टेक छोड़ देती है। और इस कदर हुजूर बार बार इसको बयान कर रहे थे कि हम आरजू कर रहे थे काश हुजूर अब सुकूत इख्तियार कर ले। उम्मत पर शफकत की वजह से हुजूर मुशक्कत में आ गए और बार बार ये कहते और झूठ बोलना और झूठ बोलना और झूठ बोलना और झूठ बोलना। अब मेरे और आपके आका मौला ने कितना बुरा जाना झूठ को, और हम क्या कहते हैं अगर झूठ ना बोले तो सौदा ही नहीं बिकता। मैं कहता हूँ ये जापान वाले कैसे बेच लेते हैं, आपका ही नहीं बिकता। हमारा दीन तो हमें सच बोलने की तलकीन करता है, हम तो सादे और अमीन पैगंबर के मानने वाले हैं, तो हमारी ज़िंदगी के अंदर झूठ हो कैसे सकता है। हदीस पाक में आता है कि जब कोई शख्स झूठ बोलता है तो उसके मुंह से बदबू निकलती है। आम आदमी तो नहीं सूंघ पाते, लेकिन अल्लाह के नूरानी फरिश्ते इतने हसास होते हैं कि वो उस बदबू को महसूस करते हैं और एक मील पीछे हट जाते हैं। और अगर वो फिर दोबारा झूठ बोलता है तो फरिश्ते फिर पीछे हट जाते हैं, तो रहमत के फरिश्ते झूठ बोलने से दूर हट जाते हैं। अब एक घर के अंदर बाप बेटे से, बेटा माँ से, माँ बेटी से, बेटी भाई से, भाई बीवी से, वो शौहर से, सब झूठ बोल रहे हैं तो बदबू के भभू के उठ रहे हैं, तो बताओ उस घर से रहमत के फरिश्ते कितने दूर भाग गए। और नतीजा क्या हुआ, घर में बेबरकती, नहुसत, लड़ाई, उलझाओ, बेचैनी, इज़्तिराब। तो हमने क्या सोचा, किसी ने तावीज़ डाल दिए, हमने क्या सोचा किसी ने बंदिश कर दी, हमने क्या सोचा किसी ने जादू कर दिया, काला जादू कर दिया। हम इस बात पे अब गए आमिलों के पास, तो आमिल तो बैठे ही इसीलिए हैं, वो अगर बता दें कि मियां मसला क्या है तो फिर उनकी दुकानदारी तो वहीं सिमट गई। उन्होंने कहा तुम तो वक्त पे आ गए हो, वरना ये तावीज़ चल जाने थे, ये जादू चल जाना था और तुम्हारा कुछ नहीं रहना था, अब तुम्हें इतने जो है वो एतवार आना पड़ेगा। और फिर उनके पास भारी रकूम लेकर, कभी काला बकरा लेकर, कभी कुछ लेकर के हर इतवार को जाना पड़ता है, और जो है वो नहुसत फिर भी ख़त्म नहीं होती, इसलिए कि नहुसत क्या थी, काला जादू क्या था, टूना क्या था, हमारे घर से रहमत के फरिश्ते दूर भाग गए। हमने झूठ को तर्क नहीं करना, हमें हर मर्ज़ के लिए तावीज़ चाहिए, जो भी मामला है तावीज़ से हम हल करेंगे, हम झूठ छोड़ना पसंद नहीं करते। तो सवेर से लेकर शाम तक झूठ ही झूठ हमारे घर में, तो रहमत के फरिश्ते रूठ गए और वो दूर हट गए और हमारे घरों में नहूस के उतर आए। तो साहिबों, हमारे आका और मौला सच के खूगर थे और उन्हें मैं सच बोलने की तलकीन की है, और मोमिन सच्चा होता है, मोमिन झूठा नहीं होता। और फरमाया कि सिद्क जो है, यानी सच्चाई जो है, ये तमानियत कल्ब का जरिया है, और झूठ रीबा, झूठ तशकीक का, इस्तराब का, बेचैनी का सबब है। अगर आप झूठ बोल के किसी को धोखा देने में कामयाब भी हो जाते हैं, फिर भी आपको कभी करार नहीं आएगा, चैन नहीं आएगा।
और सच बोल के आप नुकसान भी उठा लेते हैं, फिर भी आपका दिल मुतमईन होगा, दिल को करार और तस्दीक होगा। तो सच बोल के आप नुकसान उठा लें, झूठ बोल के फायदा ना लें। अल्लाह अकबर, हमारे दीन ने हमें सच्चाई के साथ जुड़ने की तलकीन की, और मेरे और आपके आका मौला सच्चाइयों के पैगंबर थे और अपनी ज़िंदगी सच्चाइयों के साथ जोड़ के रखी। तो फरमाया वत्तस्तुकुल हदीस, तीसरी बात जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई, उम्मुल मोमिनीन ने हुजूर के औसाफ़ को बयान करते हुए, वो ये थी कि वत्तहमिलुल कल्ला, जिसका कोई बोझ उठाने वाला नहीं उसका बोझ आप उठाते। अल्लाह अकबर, औरों के काम आना यही ज़िंदगी होती है, अपने लिए तो सारे जीते, कमाल ये है औरों के लिए जिया जाए। आपने कभी देखा होगा कि सख्त गर्मी और धूप के अंदर ये दरख्त झुलसते हैं, लेकिन अपने साए में खुद तो नहीं बैठते, खुद तो धूप में होते हैं, अपनी छाँव में बैठने वालों को राहत पहुंचा रहे होते हैं। दरख्तों का फल कभी दरख्तों ने खुद नहीं खाया, औरों को दान करते हैं। दूध देने वाले जानवर अपना दूध खुद नहीं पीते, औरों को दान करते हैं। अल्लाह ने ये निज़ाम रखा हुआ है, औरों के लिए जीना ये कमाल है। तो मेरे और आपके आका मौला हुजूर खत्मुल मर्तबत का जो मिजाज बयान फरमाया उम्मुल मोमिनीन ने, हुजूर की सीरत जो बयान फरमाई, वह तहमिलुल कल्ला, जिसका कोई बोझ उठाने वाला नहीं उसका आप बोझ उठाने वाला, उसकी ज़रूरतों को आप पूरा करने वाला, वह तक्सबुल मादूम, और जिसका कोई कमाई करने वाला नहीं है, कसीरुल अयाल है, बेवा है, यतीम है, मिस्कीन है, लाचार है, ज़राए आमदनी थोड़े हैं, तो फरमाया कि आप उसके लिए कमाई करते हैं और उसकी ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो औरों के लिए कमाई करना, उनकी ज़रूरत को पूरा करना, ये जवां मर्दी होती है, ये एक अच्छे पाकीज़ा इंसान का किरदार होता है, ना कि कुरैश मक्का की तरह। उन्होंने कहा जिनको अल्लाह ने गरीब रखा है उनको हम अमीर कैसे कर सकते हैं, हालांकि उनको गरीब रख के उनकी आजमाइश की गई और तुम्हें दौलत दे के तुम्हारी आजमाइश की गई। आज अमली रवैया हमारा भी ये होता है, जो पीछे रह गए हम उनका क्या कर सकते हैं। जब हम ये तय कर लें कि अपने अतराफ में, रिश्तेदारों में, अजीज़ों में, दोस्तों में जो कमज़ोर है उनको हमने उठाना है और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है और उनको उनके पाँव पे खड़ा करना है, तो मुआशरा तश्कील पाता है और लोग जो हैं वो एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं और मुआशरा एक दूसरे का मददगार, मुमित और मुआमन बन जाता है। लेकिन हम कहते हैं कि हमारी ये ज़िम्मेदारी ही नहीं है, हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि खुद पैसे जमा करें और लाखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति, अरबपति से खरबपति बन जाए, यही हमारा वजीफा है। गली में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में जो कमज़ोर लोग हैं उनको उठाना और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, उनको स्टैंड करना, उनको उनके पाँव पे खड़ा करना, उनके लिए ही हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। लेकिन जिस तरह हमारे ऊपर दीगर ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं, हमारे ऊपर ये भी ज़िम्मेदारी आए, और हमारे नबी अलैहिस्सलाम की ये सीरत है, वह तक्सबुल मादूम, जिसको कोई कमाने वाला नहीं उसके लिए हुजूर कमाया करते थे और उसकी ज़रूरत को पूरा करते थे। मैं आपसे कहता हूँ कि एक गली के अंदर 10 या 12 घर रहते हैं, अमूमी तौर पे हमारे यहाँ छोटी छोटी गलियों के अंदर 10 से 12 घर एक गली के अंदर बसते हैं, उसमें से 2 या 3 लोग गरीब होते हैं, बाकी 8-10 लोग जो हैं वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। वो 8-10 लोग मिलके गली के उन 2-3 गरीब लोगों को जो गुरबत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, क्या उनकी ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं ले सकते? उनकी बेटियों की तालीम से लेकर उनकी शादी तक और उनकी दीगर ज़रूरियात की तकमील तक अपने ज़िम्मे नहीं ले सकते? लेकिन हम कहते हैं हमें क्या लगे। तो जब हम ये रवैया इख्तियार कर लेंगे कि हमें क्या लगे, तो फिर नतीजा ये होगा मुआशरा वहशियों का मुआशरा होगा, साले और पाकीज़ा लोगों का ये मुआशरा नहीं बन पाएगा। तो अगर हर शख्स अपनी गली को संभाल ले, 15 लोग मिल के ये तय कर लें कि हमारी गली के अंदर कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें चूल्हा नहीं जलेगा, हमारी गली का बच्चा जो है वो इंतहाई छोटा बच्चा होने के बावजूद भी जाके मजदूरी नहीं करेगा बल्कि उसको स्कूल हमने भेजना है,
ये बेटियां हमारी बेटियां हैं और इन बेटियों का निकाह और इसकी जरूरियात हमने पूरी करनी है। कोई बीमार है और अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो उस बीमार की जरूरियात को हमने पूरा करना है। ये 15 लोग जो गली में रहते हैं ये आपस में बांट लें तो एक दूसरे के दुख बांटे जा सकते हैं, लेकिन जब हम अपने घर से निकलें और बगैर ये सोचे समझे कि हमारी गली में क्या लोगों के हालात चल रहे हैं और हम अपनी ज़िंदगी में मस्त हों, तो फिर वो मुआशरा नहीं होता, वो मुआशरा नहीं होता, ना उसे मुआशरा कहा जा सकता है। हमारे दीन ने तो हमें ये कहा कि अगर हमसाया भूखा सो गया 40 दिन नमाज कबूल नहीं होती। हमें दूसरे लोगों का ख्याल रखने की तलकीन दी गई, उन नमाजियों की मजम्मत की गई है जो नमाजी अपने हमसायों का और आस पास के लोगों का ख्याल नहीं रखते। फरमाया कि सो खराबी हो नमाजियों के लिए जो लोगों को बरतने की चीज़ें नहीं देते। फवैलुल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनाऊन अलमाऊन, वो दिखावे के टकरे मारते हैं। कहा कि वो बरतने की चीज़ें भी नहीं देते, हमसायों की खबर गिरी भी नहीं रखते, लेकिन सजदे पे सजदा कर रहे हैं, ताज्जुब कज़ा नहीं होती। तो कहा कि ये दिखावे की टकरें, ये नमाजें नहीं हैं। तो ये एहसास का नाम है ज़िंदगी। तो आका करीम के ये दो नमाया बस, वतहमिलुल कल्ला वतक्सबुल मादूम, मुझे और आपको अपने अंदर उतर के देखना पड़ेगा क्या हम दूसरों की ज़रूरत के काम आते हैं कि नहीं आते। शेख सादी ने फरमाया, नीम नाने अगर खुद मरते खुदा बजले दरवेशा को नंद नीमे दिगर, जो अल्लाह का बंदा है अगर उसके पास आधी रोटी हो तो अल्लाह का बंदा होने की अलामत यह है कि वो किसी भूखे को देखे तो उसके भी दो टुकड़े करके दूसरा दूसरे भूखे को देते। और हजरत शेख अब्दुल कादर अल जीलानी अलैहि रहमा व रिदवान आप फरमाते हैं, आधा फकर भूखों को खाना खिलाना और बरहना बदन लोगों को लिबास पहनाना है, तो लोगों की ज़रूरियात को पूरा करना, ये हमारा दीन हमें सिखाता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत का जो पांचवा वर्ष उम्मुल मोमिनीन ने बयान किया, तक्रिज़ैफ़, लोगों की मेहमान नवाजी करना, लोगों को खाना खिलाना, मफलूकुल हाल लोगों की ज़रूरत को तो पूरा करना ही करना है, जो खुशहाल लोग हैं उनको भी खाना खिलाया जाए, दोस्तों को रिश्तेदारों को। इस्लाम के मिजाज में ये चीज़ है, बेटा पैदा हुआ है तो अकीका करो, खुशी के इजहार का बेहतरीन तरीका खाना खिलाना है, ये हमारा दीन है। ये जो हमने आतिशबाजी शुरू कर ली और ये नई नई जो है वो रस्में हमने ले ली कि औलाद पैदा होगी तो ये रस्में अदा करेंगे, शादी होगी तो ये रस्में अदा करेंगे, हमारा दीन हमें हर मौके पर इन चीज़ों का हुक्म देता है जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। देखो, रोज़ा तोड़ बैठो तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ या ग़ुलाम आज़ाद करो, इसी तरह कसम तोड़ बैठो 10 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, इसी तरह कफारा इजहार है उसमें मिस्कीनों को खाना खिलाओ, अकीका है जानवर ज़बह करो, वलीमा है जानवर ज़बह करो चाहे एक बकरी ही क्यों ना हो। तो हमारा दीन हमें तरकीब देता है कि आप लोगों को खाना खिलाएं और लोगों की मेहमान नवाजी करें, उमरा को भी खिलाएं गुराबा को भी खिलाएं, तो ये एक माहौल पैदा होता है, इस दावत करने से मोहब्बत पैदा होती है, मुआशरा आपस में जुड़ता है, एक दूसरे के करीब होता है। और मेहमान नवाजी में आपका कोई खर्च नहीं होता, लगता है कि मेरा खर्च हुआ है, मेहमान अपनी किस्मत का रिज्क आपके दस्तरखान से उठाता है, रहमत लेके आता है बरकत छोड़ के जाता है। तो अल्लाह के बंदों की तो आदत ही है कि वो चाहते हैं कि हमारा दस्तरखान चलता रहे, इट खड़क के दुक्कड़ बजे तत्ता होवे चूल्हा, आन फकीर खाखा जावण राजी होवे गुल्ला। तो फकीर का तो मिजाज ये होता है कि लोग उनके पास आए। तो ये हुजूर का पांचवा वर्ष उम्मुल मोमिनीन ने बयान किया। छठा वर्ष, वतुईनो अला नवाइबिल हक, मुश्किल में फंसे हुए लोगों की मदद करना, जो हक के रास्ते पे मुसीबत में फंस जाए आप उनके साथ आके खड़े हो जाते हैं। हम कहते हैं हम पराई आग में क्यों चले, इस चीज ने हमें बेहिस बना दिया कि आज ये सोचा जाता है कि कोई बंदा हम जानते बूझते कि ये सच्चाई पे खड़ा है लेकिन हम उसका साथ इसलिए देते कि पराई आग में हम क्यों चलें, हम क्यों अपनी मुशक्कत डालें अपनी ज़िंदगी में, हम आसूदा ज़िंदगी गुजारते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का ये नमाया बस, वतुईनो अला नवाइबिल हक,
हक के रास्ते में अगर कोई मुश्किल में फंसता तो वो देखता नजर उठा के तो हुजूर साथ खड़े होते। तो आज हमें भी वो रवैया इख्तियार करना होगा ताकि मुआशरा साजी के अमल में हम हिस्सेदार बन सकें। और इसके बरक्स एक और मामला भी है, इसके साथ साथ जुड़ा हुआ मामला, और वो ये कि हम बुराई से मना करने और मुआशरे के अंदर खैर को पनपने का सबब बनने से भी दस्तबरदार हो गए। एक जुमले ने मुआशरा तोड़ के रख दिया और वो क्या सानू की लगे। हम कहते हमें क्या लगे, अपने घर में कुछ छाछ बजाए या छल्ली बजाए हमें क्या लगे। और कहते हैं जी आज हम किसी को क्यों कहें, कहने का ज़माना नहीं रहा। ये बात दुरुस्त है कि आज जो है वो कहने का दौर नहीं रहा, और दौर इसलिए नहीं रहा कि हमने कहना छोड़ दिया। पहले बाप भी कहता था, माँ भी कहती थी, हमसाया भी कहता था, ख़ानदान का बूढ़ा भी कहता था, गली का बड़ा भी टोकता था, मौलाना भी टोकते थे, उस्ताद भी टोकता था। तो मुआशरा जो है वो जो खैर की कुव्वतें थी वो पनपती थी और शर की कुव्वतें दबती थी। लेकिन हमने जब से ये तय कर लिया कि हमें क्या लगे, तो फिर नतीजा हुआ कि बुराई फैलने लगी और नेकी जो है वो सुकड़ने लगी। मेरे और आपके आका मौला ने कितनी खूबसूरत मिसाल से इसको बयान फरमाया। फरमाया कि कुछ आदमी कश्ती पर सफ़र कर रहे हैं और अपना अपना उन्होंने अपनी अपनी जगह तय कर ली है, बिस्तर बिछा लिया, बैठ के भी इतनी जगह मेरी इतनी जगह मेरी, समुद्री सफ़र करनी। अब एक बंदा अपने ही हिस्से की जगह पे सुराख करने लग जाता है जहाँ वो बैठा हुआ है, तो दूसरे उसको रोकते नहीं और कहते हमें क्या लगे, सानू की लगे, अपने घर को छाछ बजाए या छन्ने लगाए, उसका हाथ नहीं पकड़ते। तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद पानी कश्ती के अंदर आएगा, वो भी डूबेगा और बाकी जो कश्ती के सवार है वो भी डूबेंगे। और अगर ये भर करके उसका हाथ पकड़ लेते हैं तो वो भी डूबने से बच जाएगा और ये भी डूबने से बच जाएगा। तो हम कहते हैं हमें क्या लगे, ये अपने घर जो मर्जी करे, फिर वो जलती हुई आग हमारे घर तक भी पहुंचती है, पूरा मुआशरा उसकी लपेट में आ जाता है। तो कहने का दौर नहीं रहा, ज़माना नहीं रहा। तो आज उस्ताद भी नहीं टोकता, उसका भी काम इतना रह गया है कि वो निसाब पढ़ा के फारिग हो गया। उलमा ने भी सोच लिया कि यार हम क्यों अदक और मुश्किल मुसीबत में पड़े, हम लोगों को ऐसे मसाइल और ऐसी पॉपुलर तकरीरें सुनाते हैं जिससे लोग सुभान अल्लाह कहें, माशाल्लाह कहें, नारे लगाएं, उठ के नोट फेंके, वाह वाह हो, चले जाएं, हमें क्या मुसीबत है। लेकिन मुआशरा बर्बाद है। जब आलम दीन इस चीज़ का दंग लेता था कि मेरे मोहल्ले के अंदर बुराई नहीं होनी चाहिए, टीचर दस जो है वो दंग लेता था कि मेरे शागिर्दों के अंदर अखलाकी कदरें जो हैं उनको जो है वो तकमील पजीर होना चाहिए, जब मोहल्ले का कौंसलर हो या बूढ़ा हो या बुजुर्ग हो या ख़ानदान। और आज 22-23 करोड़ मुसलमान यहाँ बसते हैं, इसी तरह 30 करोड़ के करीब इंडिया में बसते हैं, तो 18-20 करोड़ जो है वो बांग्लादेश में, इसी तरह जो है वो अफगानिस्तान में, कोई 80-90 करोड़ मुसलमान जो है वो सिर्फ इस रीजन में बसते हैं जिसमें पैगंबर कोई नहीं आया, जिसमें सहाबी के बारे में आने का भी इख्तलाफ है। ताबईन आए सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम 92 हिजरी में आया और वो जो है वो सहाबी नहीं था, ताबी था। उसके बाद जो है वो कुछ ताजर आए और कुछ हुक्मरान बादशाह आए और उन्होंने आके इस्लाम फैलाया। और आज कितने हैं, आज 70-80 करोड़, जहाँ चंद ताजर आए और चंद सूफी आए। और अब दूसरा पहलू इसका देखिए, यहाँ चंद ताजर रोटी रोजी कमाने आए और उन्होंने इस्लाम छोड़ा हमारे लिए। आज रोटी रोजी कमाने के लिए कितने मुसलमान अरब ताजर भी सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, दीगर बिलाद आलम में चले गए। और कितने सूफिया की औलाद, उलमा के बेटे औलादें जो हैं वो यूरोप में चली गई। वो आए थे कुफर के दौर में, वो ताजर और वो सूफी, और आज उसका नतीजा क्या है, 80 करोड़ मुसलमान हैं। और यहाँ से लाखों सूफिया की औलादें और लाखों अरब ताजर और अजमी ताजर यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, दीगर बिलाद अरब में हैं, बिलाद आलम में हैं। तो वहाँ जब हमारा जाना होता है तो लोगों का रोना क्या होता है, आप हमें तरीका बताएं हमारी औलादें मुसलमान रह जाएं। उन्होंने जाके इन ताजरों ने
मुसलमान करना था, इन्हें फिक्र है कि हमारी औलादे मुसलमान रह जाए। तो जरा देखिए, वो भी ताजर थे, दोस्त पोस्त के बने थे, वो भी रोटी रोजी कमाने आए थे यहाँ, और यहाँ लोगों को दीन दे के गए। वो भी सूफिया थे, यहाँ आए और दीन दे के गए, और यहाँ से उलमा जाएं तो औलादें उनकी हाथ से निकल गई, सूफिया जाएं तो औलादें हाथ से निकल गई, अरब ताजर जाएं तो उनकी औलादें हाथ से निकल गई, और वो रोना रो रहे हैं कि हम अपनी औलादों को यूरोप में कैसे बचाएं। और मियां, तुम तो ताजर बन के आए थे, तुमने कुफर के जुन्नार तोड़े थे, और आज तुमसे अपनी औलादें नहीं संभल रही, तो आज हम देखें कि हम खड़े कहाँ हैं, आज हाँ हमारी हैसियत क्या रह गई है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो जो फरमाया था कि समुंदर के ऊपर उठने वाली झाग की तरह मुसलमान हो गया, तो आज बिल्कुल हम वही हैं। तो आज हमें देखना होगा, चूंकि हमारा किरदार नहीं रहा, गुफ्तार से दीन कभी नहीं फैला, किरदार से फैलता है। हमारे सूफिया ने इतनी तकरीरें नहीं की थी जितनी मैं कर रहा हूँ। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने इतने खुतबे कम दिए थे जितने सवेर शाम दोपहर भाग भाग के मैं कर रहा हूँ। ये सोशल मीडिया पे, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे रोज जितने जलसे हो रहे हैं, क्या दाता गंज बशली अजमेरी ने इतने जलसे भाग भाग के किए थे? लेकिन नहीं, उनका किरदार इतना चमकदार था, जब नजर उठी तो दिल की दुनिया बदल गई। लेकिन हमारे लफ्ज कानों से टकरा करके समी तलज्जुज़ का सबब तो बनते हैं, लेकिन मन में उतरने का फन नहीं जानते। इसीलिए हज़रत शाह नक्शबंद बुखारी अलैहि रहमा ने कहा था, जिस शख्स की खामोशी फ़ायदा नहीं दे सकती, उसकी तकरीर भी फ़ायदा नहीं देती। तो अपने किरदार को इतना मजबूत बनाओ, अपनी खामोशी को इतना मौसर बनाओ कि जहाँ जाके बैठ भी जाओ वहाँ भी नूर फैलना शुरू हो जाए। और अगर तुम्हारी खामोशी मौसर नहीं है तो तुम्हारी तकरीर भी कानों की लज़त का सबब होगी। एक वक्ति जो है वो जोश खरोश होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगी, दिलों पर बातें नहीं उतरेंगी। तो फारसी वाले कहते हैं, आज दिल खेजत बस दिल रेजत, दिल पे वही बात उतरती है जो दिल से निकलती है। तो इसलिए हमें अपने किरदार पर गौर करने की ज़रूरत है। हमारे बुजुर्ग थे, उनकी सूरतें देख के लोग ईमान लाए, इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी, इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द थे। जब बसरे आए तो एक ईसाई मुनाजर मुनाजरे के लिए तैयार खड़ा था, मुसलमानों का इमाम तो आले, मैं तोड़ के रख दूंगा, मेरी दलीलों का जवाब नहीं दे सकेगा। इमाम मोहम्मद थे बहुत खूबसूरत, नूरानी चेहरा, सर पे इमामा, सुन्नत का जामा, घोड़े पे सवार होकर जब बसरे में आए तो ये जो मुनाजरे के लिए खड़ा था, इसने जब इमाम मोहम्मद का चेहरा देखा तो उसके लबों पे कलेमा जारी हो गया। तो लोगों ने कहा कि तुम तो मुनाजरा करने आए थे, तुम कलेमा पढ़ने लगे हो? तो उसने जो जवाब दिया वो सुनने के काबिल है। उसने कहा, मैं आया तो मुनाजरा करने के लिए था, लेकिन जब मैंने इमाम मोहम्मद के रोशन ताबा और चमकदार चेहरे को देखा तो मेरे दिल ने गवाही दी, जब मुसलमानों का छोटा मोहम्मद इतनी शान वाला है, बड़ा मोहम्मद कैसा हो? ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा? तो हमारे चेहरे ईमान बांटते थे। इमाम मोहम्मद के जनाजे की चारपाई को एक गैर मुस्लिम छूता है, वो कहता है सब शौक से जनाजे की चारपाई को कंधा दे रहे थे, उसने कहा चलो मैं भी कंधा देता हूँ, और जूं ही उसका कंधा इमाम के जनाजे की चारपाई को छूता है, उसके लबों पे कलिमा जारी हो जाता है। हमारे बुजुर्गों की लाशें भी दीन बांटती थी, और हमारी जिंदा लाशें लोगों के इस्लाम के रास्ते में रुकावट बन गई। तो मुझे और आपको सोचना पड़ेगा कि हम हैं कहाँ, हम खुद अमल पैदा नहीं है तो हम किसी को कैसे दावत दे सकते हैं? इस्लाम मुसलसल अमल का नाम है, इस्लाम किरदार साजी का नाम है। मेरे आपका और मौला हुजूर खत्मुल मर्तबत ने 63 साल जिंदगी दुनिया के ऊपर गुजारी है, उसमें 40 साल सिर्फ किरदार पेश किया। हुजूर के जुम्मे काम क्या था? वल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा वदीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले, तमाम अदियान पर दीन इस्लाम को गालिब करना, ये हुजूर का मकसूद था। टाइम पीरियड कितना? 63 बस। और जुम्मेदारी क्या है? तमाम अदियान पे दीन इस्लाम को गालिब करना। तो वक्त तो गुजरता जा रहा है, और 40 साल गुजर गए ऐलान नबूवत ने किया, सिर्फ 23 साल ऐलान नबूवत के बाद हुजूर की जिद्दत हो गया। तो वो पहले 40 साल हुजूर का किरदार था, और फिर 23 साल जो बकिया हैं किरदार के साथ हुजूर की गुफ्तार भी है। तो आज हमें ज़रूरत है कि अपने किरदार को चमकदार बनाएं, अपने किरदार को रोशन बनाएं। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, ये ना हो कि लोग तुम्हें पूछे तुम कौन हो, और तुम्हें बताना पड़े कि जी हम मुसलमान होते हैं, ये देखो मज़हब के खाने में इस्लाम लिखा है,
आप फरमाया करते थे, साहेब किसी को पूछना ना पड़े, तुम्हें बताना ना पड़े, तुम दूर से चले आ रहे हो, लोग देख के कहें वो देखो हुजूर का गुलाम आ रहा है। और मैं कहा करता हूँ ये ना हो कि तुम दूर से ये लगो कि हुजूर के गुलाम हो, लेकिन जब किसी के नेड़े लगो, कोई तुमसे कारोबार करके देखे, तुमसे कोई रिश्तेदारी करके देखे, कोई तुम्हारी हमसायगी में घर खरीद के देखे, तुम्हें कोई कर्ज दे के देखे, तो फिर उसे पता चले कि दूर दूर से तो आज के रसूल लगता था, दूर दूर से तो बड़ा अच्छा भला मुसलमान लगता था, लेकिन करीब आया तो कुछ और निकला। उसके लहजे में यूं तो बर्फ थी, लेकिन जो छू के देखा तो हाथ जल गए। ये नहीं कि दूर से तुम अच्छे अच्छे दिखाई दो, लेकिन करीब आओ तो लोग कहेंगे यार नेड़े होकर देखा तो कुछ और निकला। तुम दूर से दिखाई दो पता चले हुजूर का गुलाम है, लेकिन कोई तुमसे नेड़े होकर देखो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे दरूद पड़े कि नबी के गुलाम ऐसे ही हुआ करते। तो इसलिए हमें अपने किरदार की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और अमल को खूबसूरत बनाने के लिए कोशा होना चाहिए। तो ये जो छः बातें बयान की उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा ने आज किस मजलिस में, अगर हम ये अज़म करके उठ जाएँ कि हम ये छः वस्त अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करेंगे जो हमारे आका मौला के नमाया वस्त थे, फिर सुन लीजिए, सिला रहमी, हमेशा सच बोलना, और जिसका कोई कमाने वाला नहीं उसकी ज़रूरत की तकमील करना, और जिसका कोई बोझ उठाने वाला नहीं उसका बोझ उठाना, और मेहमान नवाजी करना, और आखिरी वस्त जो इस हदीस में बयान किया गया बुखारी की ये रिवायत है वो ये कि मुश्किल में कोई हक पे फंस जाए तो उसके साथ जाके खड़ा हो जाना। अगर हम इन छः औसाफ को अपने अंदर उतार लेते हैं तो एक अच्छा मुआशरा खुद बहुत तश्कील पाने लग जाएगा, वरना ये मुआशरा जहन्नम मुआशरा बना हुआ है। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे क़यामत के दिन नफसी नफसी का आलम तो होना ही होना है, आज ही नफसी नफसी का आलम है, खुद गर्ज़ी इंतहा को छू गई है। तो आइए मैं और आप अपने आप को मौला हुज़ूर ख़त्मी मर्तबत की राहों के मुसाफिर बनने की कोशिश करें। वआखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह उठे हाथ कभी भी खाली ना मोड़े जाए, फैली रजोड़ियाँ रहमतों से भर दी जाए, वक्त की बहारें नसीबों हों, मुकद्दर की खजाएँ रुख़सत फरमा, जिए तो तेरे लिए, मरे तो तेरे दीन के लिए, ज़िंदगी की आखिरी हिचकी तक तेरे रसूल के वफादार हों, हर इल्लत से, हर किल्लत से, हर ज़िल्लत से रिहाई अता करते। अल्लाह अपने पाक नबी के दर की गदाई करते, नसीब फरमा दे। अल्लाह मेरे वतन की खैर फरमा, मेरे मुल्क को अमन का गहवारा बना, मुल्क को माशरत और मईशत का हुस्न अता कर दे, सियासी इस्तेहकाम अता कर दे, मेरे मुल्क को हर तरह की बरकतों से माला माल फरमा। नमाज यहाँ पढ़नी हो तो मैं रुक जाता हूँ, वैसे भाई के लिए तो शुक्रिया।